तो मुशीत आनंद महांती आपण पाखु आसिबाकु चाहिबे जो कथा मु पचारथुली प्रकृतरे एते साहस सेमानकु कोठी मिलुछि एसपी डीएसपी को चैलेंज करुछंती खोलाम खोला भाबे कैमरा आगरे कहुछंती मोर कहि किछु उखाड़ी पारिबेनी एवं राज्य सरकार कण जदि प्रकृतर अनुभव करुछंती जे एमानक जो से बदनाम होउछंती बोली जदि अनुभव करुथांते ए घटनार पुनरावृत्ति बारंबार हुंता कहुछंती मोर कहि किछु करि पारिबे नाही कोनोसी अधिकारी मोर बिगाड़ी पारिबे नाही यहाँ एक सांघातिक कथा से कथा को आम विश्लेषण करार आवश्यकता रही एके तो से ऊपर अफिसर मैंने आई आई सी ठार् अधिक परिमाण में बटी ने नसे यही अफिसर मानु ऊर्धे रही जे होम होम मिनिस्टर अच्छा से होम मिनिस्टर सहित सीधा सड़क निश्चित भाव संपर्क थी से एत परिमाण में जोर दे कि कथा कही पार्टी नसे एभली भाव कौन प्रकार अफिसर कही पार ना आउ जो डीजीपी महोदय को आपण कहते शुणुवे आप देखो कार्यानुषान आम डीजीपी महोदय श्रीजुक्त अभय सिना ना पाई कि से भारी भय भितर कार्य कर राज्य सरकार पाखे बोलिए अनुभव होते सब घटना बर्तमान घटी तीन चार वर्ष भितर डीजीपी आसला दिन ठार भी जहां घटना घटी कौन सी गोटे घटनार निरपेक्ष तदंत करी कार्यानुषान नवारे जना पड़ना से अंतत पक्षे राज्य सरकार एक मुखपात्र भाव कार्य कला भाया अनुभव हो मुखपात्र जदि साजिब पुलिस राज्य सरकार जो प्रकृत जदि राज्य सरकार स्वच्छ छवि आने जदि उद्यम करूँते एभली गुंडा गिरी देखा पुलिस अधिकारी मानू प्रोत्साहन दिंते ना से सुरक्षा कवच साजते ना बरम से किभली भाव सिस्टम रु व्यवस्था बाहर करे पूरा व्यवस्था को सजाड़ापी उद्यम करेंगे से चेष्टा करते किंतु एटी पूरा उल्टा कथा देखा मिलू से आम बारंबार प्रश्न करुचु केते दिन जाए यह चित्र सामना को आसुव केते दिन जाए खाकी वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी बदनाम करुवे पूरा व्यवस्था को एवं सरकार निरवद्रष्टा साजि थे वरिष्ठ सांबादिक अनंत महांत कहते अभय नुहे भय आपण ना रखिबार कारण यह जो उन्मत्त पुलिस अधिकारी विरोध में कार्यानुष्ठान नापी आपण का हाथ जाऊनि प्रमाण आप इनक्वारी कथा कहते निलंबन करदे दायित्व अव्याहतिदे या कौन कार्यानुष्ठान आते प्रमाण दरकार पुलिस डीजीपी अभय महोदय गृह राष्ट्रमंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र महोदय आते प्रमाण दरकार आपण को खातिर करूना वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मानू कहीं बेखातिर जड़े पुलिस आई आई सी वर्दीर मजाक उड़ वर्दीर बदनाम करुं मद्यपान करके ड्यूटी करुं लोक गाली गुलज करुं मो पुलिस व्यवस्था करुं थाना को गले लोक भल व्यवहार करवा यह जोर दौरान थाना को लोक जावा दरकार ना ये पुलिस मद्यपान कर बोलू लोक पचारे किभली व्यवहार होपड़ शुणु मो पुलिस व्यवस्था ये धजिया उड़ू विश्वजित बराल माम प्रतिनिधि अच्छा जी कि अजय मुदुली आईआईसी बंदर मेराइन थाना आईआईसी दुर्व्यवहार शिकार होती भूल या जे कहीं लोक दुर्व्यवहार करुच कहीं मद्यपान कर निशासक्त अवस्था ड्यूटी करुच ए प्रश्न करें सी कहते मु ठिकार इनचार्ज मत कहीं प्रश्न करें एत साहस कहीं कहीं से क्या खातिर करूना ये हूँ बड़ा प्रश्न विश्वजित जो भाव में लोकंर प्रतिक्रिया आसूला लोके कहते ये प्रथम घटना नुहे ये अजय मुदुली बारंबार एभली कांड करे बारंबार निशासक्त अवस्था लोक दुर्व्यवहार करे एवं ये तार चिराचरित कथा देखु शक्ति साई आम चारिमास ते मु गोटे खबर प्रकाश करी आम दे अर्गस बाजी जे ड्यूटी की आसूना जोबले आसुंच माने निज जो ड्यूटी जो गाड़ी दि जाए जो थाना को जो दी पेट्रोलिंग जो गाड़ी दिखाई से निज पर्सनाल कैमेर यूज करुते से कटक रोच्च कटक रु मानने थाना गाड़ी लेकिन जी जावास करेंगे किपटे जदि कौन किसी घटना कर्मचारी मैंने जीवाक असुविधा होता मु पूर्व देखे थी कर्मचारी विरुद्ध में कही कमी सार गाड़ी नहीं जाऊँगी अंचल मदपी मद व्यवसाय लाच नहीं अनुमति दौरान आपण मैंने देखिथे चारिमास पूर्व मुझे बंदर थाना आई आई सी जो प्रकार
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, 2008 ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଟାକ୍ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁପଟେ ମାନେ ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ଆସିକି ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ 2008 ମସିହା ପରେ ପ୍ରତି ମାନେ ମେରାଇନ୍ ଥାନାମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଥାନା ହେଇଛି ବନ୍ଦର ମେରାଇନ୍ ଥାନା, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା। ଇଏ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ସହିତ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଟି ଖୋଲିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମିଛ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତାଙ୍କୁ ଫସେଇବି। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେହି ବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ବି ସାହସ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଗତକାଲି ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଯାହା ସବୁ ପୂର୍ବ ଘଟଣାଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ବଖାଣିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଦୃଶ୍ୟ। ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ କେବଳ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ଭୁଲଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥା ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ, କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଥିବେ, କେତେ ପ୍ରତାରିତ ହେଉଥିବେ ସେମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି DGP ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଥାନାରୁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ନିଆଯାଇଛି, ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯଦି ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ଏମିତି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କାହା ଉପରେ ଆଉ ଭରସା ରଖିବେ? ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଭରସା କରିବେ ସାଧାରଣ ଜନତା? ଯଦି ପୋଲିସ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ଷକ, ଯିଏ ଜନତାଙ୍କର ରକ୍ଷକ, ଯିଏ ବର୍ଦ୍ଧିର ମାନ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା, ସିଏ ଯଦି ନିଜେ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିବେ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିର ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେ ତାହେଲେ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, କାହାକୁ ଭରସା କରିବେ, କାହାକୁ?